हिंदुस्तान में सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वांग ने कहा कि रियासत तेलंगाना के नए शोबों में सरमायाकारी के कई मौके हैं और वो इन मौके को सिंगापुर की कंपनियों और सरमायाकारों को मुतारिफ करवाने में माविन साबित होंगे। वांग ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां जदीद शोबे के साथ साथ ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग जैसे शोबों में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। साइमन वांग ने तेलंगाना के वजीर सनत के तारक रमाराव से वजीर आला कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर तारक रमाराव ने वांग को हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना से मुतालिक सरमायाकारी के मौके और तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। बेहतरीन सरकारी पॉलिसियों के साथ टीएसआई पास और सिंगल विंडो परमिट तेलंगाना में बहुत सारी बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी लाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि लाइफ साइंसेस, फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और ज़राअत जैसे मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हैरतअंगेज मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सिंगापुर की कई कंपनियों ने पहले ही रियासत में सरमायाकारी की है। नाज़रीन, हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुतालिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।